नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के बाद किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ा है। धरना स्थलों पर किसानों की भीड़ छटने लगी है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति इसके उलट है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। प्रशासन ने किसानों को जगह खाली करने के निर्देश दिए थे। तमाम प्रदर्शनकारी किसान अपना बोरिया बिस्तरा समेटने भी लगे थे, लेकिन गुरुवार शाम किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं और आत्महत्या की धमकी दिए जाने के बाद पूरा माहौल ही बदल गया और देर रात पुलिस फोर्स को गाजीपुर बॉर्डर से बैरंग वापस लौटना पड़ा। वरना इससे पहले बॉर्डर होने के कारण दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए भारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया था। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर को गुरुवार को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बड़ी तादाद में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात थे। धारा 144 लागू की गई थी। अटकलें थी कि राकेश टिकैत सरेंडर करने जा रहे हैं या फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उनके भाई नरेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया था कि अब और नहीं, धरना खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में जैसे ही राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हुए और उनके आंसू छलके, पल भर में ही फिजा बदल गई। राकेश टिकैत आंदोलन जारी रखने पर अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि यहीं पर खुदकुशी कर लूंगा। उन्होंने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने की भावुक अपील भी की है। फिर क्या था, आधी रात को ही पश्चिमी यूपी के तमाम हिस्सों से किसानों के समूह गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करने लगे। जहां धरना खत्म होने की अटकलें लग रही थी, वहां रात में ही भीड़ जुटने लगी। नहीं, हम निकाल लेकर हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो टिकट सब ऐसी नौबत क्यों आ गई अचानक से, ये सब कुछ क्यों बदल गया है, क्या लग रहा है आपको? गद्दारी कहने, रग रग में गद्दारी है, रग रग में गद्दारी है। दो महीने से बात नहीं कर रही, रग रग में गद्दारी है। जब हमने ये कह दिया कि आप पे प्रेशर है, 4000 फोर्स लगा के यहाँ पे गिरफ्तार करोगे, गोली और उससे गिरफ्तार करोगे, हमने कहा कि हम गिरफ्तारी दे देंगे, आप मेरे लोगों को इनके घर तक सुरक्षित पहुंचाओ। मतलब 500 लोग बीजेपी के लोग आने के ऊपर लाठियां चलाएंगे इनके ऊपर। सरदारों को आप खालिस्तान नहीं कहोगे? झंडा बीजेपी के लोग लगाएंगे वहां पे, खालिस्तानी आप इनको इस वक्त जो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर से मैंने बात की, आपकी क्या क्या हुआ है आपकी तबीयत? राकेश जी क्या हुआ? कुछ दो महीने आप तो रहे हैं, क्या ना बता दो, आप आज भावुक क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं, मैं हमारे 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 जो इशू है, भारत सरकार जो हमारे मसले हैं, जिन मसलों के लिए हम आए हैं उस पर बात कर ला हमारे साथ। ये किसान सह सम्मान जाएगा, यहाँ से अपमान लेकर किसान दिल्ली से नहीं जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से छावनी में तब्दील था। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती थी। माहौल तनावपूर्ण था। चेतावनी दी गई थी कि किसान अगर आधी रात तक धरना खत्म नहीं करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, किसानों के नए नए समूह धरना स्थल पर पहुंचने लगे। आखिरकार देर रात पुलिस को पीछे हटना पड़ा। राकेश टिकैत ने देर रात मीडिया से बातचीत में दावा किया कि शुक्रवार सुबह तक तमाम जिलों से बड़ी तादाद में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। वहीं जो नरेश टिकैत गाजीपुर में धरना खत्म करने की बात कर रहे थे, भाई राकेश के आंसू छलकने के बाद उनके भी देवर बदल गए। नरेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और मेरे छोटे भाई राकेश टिकैत के ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। सुबह महापंचायत होगी और हम इस आंदोलन को निर्णायक स्थिति तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। बताया जा रहा है कि आज पूरे दिन के माहौल को देखा जाएगा, उसके बाद ही योगी सरकार कोई कदम आगे बढ़ाएगी। इसके पीछे की बड़ी वजह ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकैत बंधों का प्रभाव है। आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह ने भी राकेश टिकैत से बातचीत की है। वहीं आपको बता दें कि अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में योगी सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।